नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2021 के एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या कुछ आ रहा है, क्या कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक छात्र जो है उनसे बात की थी और उनका लाइव अनुभव मैं आपको यहाँ पर पूरी कॉल रिकॉर्डिंग से सुनाऊंगा, जिसके माध्यम से जिनके आगे आने एग्जाम होने वाले हैं उनको जो है वो हेल्प मिलेगी, कैसे क्या जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, काफी कुछ नया कुछ देखने को मिल रहा है। पहले तो मैं यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत आपको चीजें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी फिर लास्ट में मैं आपको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो सुना दूंगा। तो सबसे पहले तो नई जो शिक्षा नीति है, जो कि अभी तक आप देख रहे थे कि आपके पेपर में सीटेट में नई क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, नॉर्मली वही घूम फिर के आ रहे थे, पर अब आप देख रहे हैं कि इस जो पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन में नई शिक्षा नीति से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्या कुछ उसमें चीजें किस लेवल पर रखी गई वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको फुल फॉर्म भी देखने को मिल रही है, फुल फॉर्म किस तरीके से शिक्षा से संबंधित थी, जैसे कि एक बाला जो है वो फुल फॉर्म जो है आपका एक एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो गया, जैसे बाला की फुल फॉर्म होती है शिक्षण के संदर्भ में ही बिल्डिंग एज लर्निंग एड करके, तो ऐसे ही शिक्षा के संदर्भ में और भी एक ना एक फुल फॉर्म जो है आपको देखने को मिल रही है। तो जो भी फुल फॉर्म है वो आप जो है वो याद रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी तक आप देखते थे सीटेट में क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको देखने को मिलते थे, पर इसमें यूपी टेट पर आधारित काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखते हैं उस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसी का एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन, जैसे अभी तक आप मैप में क्वेश्चन देखते थे तो मैप में जो क्वेश्चन आते थे वो पूछा लिया जाता था कि जो तमिलनाडु है किसके बगल में स्थित है या किस राज्य के पड़ोसी देश में, या उसकी दिशा पूछ ली जाती थी। अब इसी में थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको देखने को मिल रहा है, तरीका क्या हो रहा है, आपको जैसे यूपी टेट में पूछ लिया जाता है इसकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं या किससे नहीं लगती हैं, इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने को एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, जो कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलते थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी मैं आपको लाइव एक कॉल सुना रहा हूँ, उससे आपको अनुभव मिलेगा कि कैसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। बाकी यदि आपका कोई और प्रश्न हो पेपर के संदर्भ में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जो है वो पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जो है वो कर दूंगा। तो ये जो है अब है आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि मेरे और जो छात्र जो परीक्षा देकर आए हैं सीटेट उनके बीच की है। ये है कि सर, जैसे चार ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक, तो चार ऑप्शन में जैसे वो नहीं है हायरार्की टाइप में कि 1 2 3 सही, 2 3 4 सही, इस तरीके से। अच्छा, और जैसे टीसीएस लेवल का पेपर बनता है हाँ हाँ सारे उसी तरीके, डायरेक्ट कोई नहीं कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे कोई भी। अच्छा, और जैसे सबसे ज्यादा COVID-19 से भी सवाल थे, अगेन पियाजे और COVID-19 पूछे जा रहे हैं ये। हाँ, COVID-19 के 6-7 सवाल थे, जैसे कि कोई भी बच्चा है COVID-19 में ऑफलाइन मतलब बंद हो गया स्कूल, ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो इससे क्या मतलब वो सीख रहा है किस तरीके से। मतलब कहने रहे हैं कि थोड़ा सा मानसिक लेवल चेक किया जा रहा है कि मेंटल लेवल, मेंटल लेवल कैसा सोच पा रहे हैं। और जैसे ईवीएस में है, ईवीएस में कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर जैसे पूछे गए खाने से रिलेटेड, एक राष्ट्रीय उद्यान जरूर आ रहा है सारे एग्जाम में, एक एक जरूर राष्ट्रीय उद्यान। वैसे यूपी टेट का टॉपिक है, मतलब जरूर आ रहा है, लेकिन वो चीज नहीं है। पेपर दिया है उसमें यूपी टेट के क्वेश्चन से मतलब ज्यादा क्वेश्चन टाइप के आ रहे हैं सीटेट के। ये चीज अब थोड़ा लेवल मैथ का इजी था, लेवल अपर के लिए और प्राइमरी के लिए, अब लेवल वैसा है, बट वही है ना जैसे पीसीएस में जैसे पूछते हैं क्वेश्चन का तरीका, पूछने का वो क्वेश्चन का तरीका वैसा है बिल्कुल। अच्छा, मतलब लेंथी क्वेश्चन रह रहे हैं बस। हाँ, लेंथी क्वेश्चन, हाँ, ये ऑप्शन सेलेक्ट, ये इसमें ये सेलेक्ट करो इसमें, बाकी भाषा में सेलेक्ट करने वाला तो कोई ऐसा ऑप्शन गड़बड़ तो नहीं ना। थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ और क्वेश्चन बिल्कुल बराबर बराबर में दिए हैं स्क्रीन पे, तो जैसे एडजस्ट करना पड़ता है स्क्रीन को भी और क्वेश्चन को भी, अगर लेंथी होता है दोनों चीज। तो जूम आउट वाला ऑप्शन नहीं होता क्या? जूम करना है, जूम वाला नहीं है, लेकिन वो स्लाइड करके आप मतलब इधर करिए पैराग्राफ आएगा। अच्छा, फिर स्लाइड करिए इस तरीके से, कोई भी डायरेक्ट, ये चीज है थोड़ा पैराग्राफ पढ़ने में दिक्कत है। और सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो 9-9 क्वेश्चन आए पैराग्राफ से और सामने 2-2 क्वेश्चन। हाँ, यूपी टीटी में जैसे
एक ही पैराग्राफ था, दो क्वेश्चन थे मात्र, किसी में एक भी क्वेश्चन था सेकंड फेज में, लेकिन इसमें था कि जैसे 9 क्वेश्चन आए हैं हिंदी से, फिर एक क्वेश्चन ईवीएस के याद हो तो ईवीएस का जैसे एक था कि झारखंड में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये थी ओवरऑल रिकॉर्डिंग, उम्मीद करते हैं इसको सुनने के बाद आपको एग्जाम में आपके हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि आप एकदम जब नया नया जाते हैं तो कई बार चीजें आपको ऐसी फेस करनी पड़ती हैं जो आपने सुनी ना हो, या यूपी टेट के से लेकर आप हो सकता हो कुछ पढ़ ही ना रहे हो, सी टेट में ही आप लगे हो, तो ये सारी चीजों से आपको पेपर में एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, जितने भी सी टेट की परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी तक जो है वो वीडियो पहुंच सके, सबकी हेल्प हो सके। और कोई यदि प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।